के 60 तक होने चाहिए, तो अपना मतलब रोजगार करके कमा खा सकते। मैं यहाँ खाते खाते वहाँ मैं निकल खुद जाऊँगा। क्या नाम है आपका? राजेंद्र जायसवाल है। तो आप यहाँ सड़क पर सो रहे हैं, क्या है कोई सुविधा नहीं है आपके पास, कोई मकान नहीं है? ना कोई व्यवस्था है ना कुछ है जी, तो इसी से गुजारा मैं जब कर रहा हूँ। सामान फुटपाथ पर पड़ा रहता है, नगर निगम आती है, कोई काम धंधा कोई रोजगार आपके पास नहीं है? फुटपाथ से कुछ बड़ा काम कर सकते हैं ये सब, तो इसके लिए कोई आपने कोई प्रयास किया, आप कहीं किसी के पास गए? कोई प्रयास का कोई नतीजा नहीं निकल पाया था जी। सुबह शाम कहाँ से दौड़ते, कहाँ कितना दौड़े, कितना खाएंगे, क्या पिएंगे, कोई प्रूफ आपके पास? आधार कार्ड पहचान पत्र सब है आपके पास? आधार कार्ड है, पहचान पत्र भी है सर। अच्छा, सब फुटपाथ का ही सर है, वही बड़े दौड़े दो तक हो पाया, वो भी कोई तो कहते थे बंद करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मगर जब हम लोग को पीछे नहीं छोड़ा तब आधार कार्ड बन पाया तब दौड़। तो क्या लगता है आपको, ये सरकार एक जहाँ एक तरफ जो है सबका साथ सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, कुछ नहीं है सर? अच्छा, ये बकवास बकवास का ही बात करते रहते हैं, खाली संतोष से दिलाते रहते हैं, आशा दिलाते रहते, काम कुछ नहीं होता। क्या कहना चाहेंगे आप योगी जी से, मुख्यमंत्री से, क्या फरियाद करेंगे अपनी? सर इन लोगों के पास भी कोई भी प्रयास करो कुछ भी, खाली वहाँ तक खाली हम देखो दे देते हैं, अगर वो कह देते हैं सबसे पता हो जाएगा और शासन दे करके वहाँ से वापस कर देते हैं। आधार के बारे में तुम्हारे लिए हम सुविधा, कुल मिलाकर गरीबों के लिए कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं है। क्या नाम है आपका? सलीम अहमद। क्या दिक्कत है, आप यहाँ पर रात में सो रहे हैं यहाँ पर सड़क पर? नगर निगम में मड़िया डाले थे रेलवे के किनारे, नगर निगम ने लोड दिया, तब से मैं फुटपाथ पे रहता हूँ, कॉलोनी के लिए दौड़ रहा हूँ, रोजगार के लिए दौड़ रहा हूँ, 2 साल होने जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। जहाँ जाओ देखते हैं कि जो है जाओ कागज दे दो तुम्हारा काम हो जाएगा, कागज देते देते परेशान हो गए, हाथों पैरों में दाने निकल आए, देख लीजिए आप बंगाल भी है, और रोजगार के लिए दिन रात उड़ते हैं, कोई नहीं मिलता है, भीख मांगने जाओ 10 आदमी मारते हैं, गाली बकते हैं, भगा देते हैं, बताइए कैसे क्या करें। कहाँ के रहने वाले हैं? नबीउल्ला रोड बाग मंडी नई बस्ती लखनऊ के। अच्छा, तो अपना मकान आपके पास नहीं है? नहीं। और कोई है परिवार में? नहीं, अकेला हूँ। अच्छा, तो आप कहाँ कहाँ तक गए, किसके पास गए अपनी फरियाद लेके? मैं जनता मंत्री के पास गया, विधानसभा में मंत्री के पास गया जी, विकलांग मंत्री के पास गया, आदित्य मंत्री के पास गया, और तुम्हारे ये लेफ्ट सेंटर मेडिकल कॉलेज के मंत्री के पास गया, हॉस्पिटलों वाले जी, और जो है डूडा में मंत्री रहते हैं उनके पास गए, जितने भी मंत्री विधायक रहते हैं हर एक के पास दौड़ते दौड़ते मैं थक गया हूँ, एप्लीकेशन देते देते कोई सुनवाई नहीं है। क्या कहते हैं वो लोग? ये लोग यही कहते हैं कि जाओ बस आपका काम हो जाएगा, कागज ले लेते हैं कलम से पता नहीं क्या लिखेंगे, बोलेंगे जाओ आपका काम हो जाएगा, जब वहाँ दोबारा जाओ तो बोलते हैं हेल्पलाइन पे जाओ, हेल्पलाइन पे बात करो तो बोलते हैं ये रॉन्ग नंबर है। जो आपके सभासद हैं बांस मंडी के, उनके पास आप गए? हाँ, उनके पास गए थे, वो करे बेटा अभी कुछ नहीं आया यहाँ। अच्छा, वो प्रार्थना पत्र हमें दिखाइए जो आपने दिया है। वही है।
जैसे कि अभी आपने अपने कागजात दिखाए हैं, आपने प्रार्थना पत्र सीएम को भी दिया और काफ़ी मंत्रियों को दिया, और आप दिव्यांग हैं, कोई सहायता नहीं है आपकी, तो ऐसे में क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? या हम जब भी जाते हैं तो मोबाइल नंबर मांगते हैं सर, हम मोबाइल नंबर कहाँ से लाएं बताइए, विकलांग आदमी फुटपाथ पे रहते हैं, मड़ैया बनाए थे वो भी तोड़ दिया, तो मैं क्या करूँ, कहाँ से मोबाइल लगते हैं कैसे अपना, तो पाने को मिलता नहीं है, मोबाइल कहाँ से रख पाएंगे, बताते हैं जहाँ तुम्हारे जिला में सीएम से मालूम हो जाएगा, उनके सभासद से मालूम हो जाएगा, किसी से भी कुछ नहीं मालूम होता है, कहते बेटा अभी कुछ आए ही नहीं। ये योगी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, कुछ नहीं देते हैं, सिर्फ बोल वचन देते हैं बस, मिलने जाओ तो बताते हैं सोमवार को जनता दरबार लगता है, सोमवार को जाओ तो वहाँ भी नहीं मिलने देते हैं, अंदर बैठा लेंगे, एक कप चाय दे देंगे, दो बिस्कुट दे देंगे, कागज ले लेंगे, बोलेंगे जाओ।